सेक्शन सी एप्लीकेशन ऑफ कॉमर्स इन एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कुछ टर्म्स हैं इसमें. सबसे पहले तो तुम लोग उस बुक बुक में जो टर्म्स दिए गए हैं उनको पढ़ लो एक बार थोड़ा सा, फिर हम बता रहे हैं. ये कुछ टर्म्स हैं जो तुम लोग देख रहे हो कि किस तरीके से ये यूज होंगे इस चैप्टर में, और बहुत ही इजी है. मतलब कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तुम अगर सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंपेयर करोगे तो काफी कुछ तुमको लगेगा कि नहीं सेक्शन सी करना उचित है. अच्छा, तुम लोग कर सकते हो, मतलब सेक्शन सी बी ऑप्ट कर सकते हो. इन क्वेश्चन पेपर देयर विल बी टू सेक्शन, मतलब जो थ्री सेक्शंस होंगे वो बी और सी दोनों पेपर में आएंगे. एनी वन यू कैन चूज एट द सेम, मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, भले ही तुम पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई भी सेक्शन, बट ओनली वन सेक्शन विल बी चेंज्ड. हाँ, दोनों सेक्शन भी कर सकते हो, ये भी है, सेक्शन बी भी और सेक्शन सी भी कर सकते हो, दोनों भी चेक होंगे, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे उसी से नंबर दिया जाता है. ये रूल है काउंसिल का, बोर्ड का रूल है कि जिसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, उसी क्वेश्चन को चेक करके दिया जाता है. चेक सारे करेंगे क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिपेंड्स ऑन द मार्केट, जो ये इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड है तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट. मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं फिर सप्लाई होते हैं मार्केट की डिमांड के अनुसार. तो यदि डिमांड है मार्केट में तो वो प्रोडक्ट बनेंगे भी और सप्लाई भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिमांड हो और प्रोडक्ट सप्लाई, मतलब प्रोडक्ट बन जाए. तो उस केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट कम बन रहा है डिमांड ज्यादा है, तो फिर मतलब कि कायदे से देखा जाए तो वो कॉस्टली हो जाता है. जैसे एट द टाइम ऑफ द, ये दीपावली के समय में तुम लोगों ने महसूस भी किया होगा, खोए के दाम हो गए, मिठाई के दाम हो गए, या जो झालरों के दाम हो गए, इन सब के दाम बढ़ जाते हैं. क्यों दाम बढ़ जाते हैं? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और उतनी सप्लाई नहीं है, उतना मार्केट में उसका मतलब कि वो आया ही नहीं, बना ही नहीं. लेकिन चूंकि एक वो आ गया, फेस्टिवल आ गया, तो उसकी वजह से बढ़ गया दाम. तो ये सब चीजें जरूर. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड ज्यादा, मतलब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई हमारा वो मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उस केस में उसके दाम कम भी हो जाते हैं. तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मार्केट में डिमांड के अनुसार, इसी फ्लक्चुएशन के से जो हम कास्ट निकालते हैं, उस कास्ट को जो फ्लक्चुएट होती रहती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हुआ कि ये कॉस्ट कभी बढ़ती है कभी घटती है, इस कॉस्ट को बोलते हैं. लेकिन एक फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है. वो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे लेबर चार्ज हो गया, लेबर चार्ज फिक्स रहेगी. मतलब कि अगर किसी ने मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाया, जैसे घर पेंट करवाने का है, तो 400 रुपीज अगर उससे तय हो गया तो 400 रुपीज पर डे के हिसाब से लेगा ही, ये इसकी फिक्स्ड चार्ज है. इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है. भाई ट्रेन का किराया मतलब कि जैसे चल रहा है आना है, सामान आ रहा है, या बस से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, तो ये फिक्स चार्ज है क्योंकि
ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि अब जो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे टीएफसी, टीएफसी क्या है, टोटल फिक्स्ड चार्ज, टीवीसी क्या है, टोटल वेरिएबल चार्ज, मतलब कॉस्ट, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये क्या है, टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब हुआ कि इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई, एक सामान को आने में जो ट्रांसपोर्टेशन लेबर चार्ज लगता है वो भी तो ऐड करेंगे ना, तो जो वेरिएबल कॉस्ट वाला कि ये इसकी कॉस्ट हो गई और प्लस ये दोनों कर दिया तो मिला करके हमें टोटल कॉस्ट मिल गया। इसके पहले हम एक जो इक्वेशन है इसमें इससे रिलेट कर रहे हैं इसको, y = mx + c। ये c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ये mx क्या है, ये वेरिएबल होता है, मतलब कि अगर c ना हो, अगर c मान लो कि नहीं है तो इस तरह की इक्वेशन आती है, और ये इक्वेशन हमेशा जो मतलब कि ये लाइन, अगर इसकी लाइन ड्रॉ करो तो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ये पता है तुम लोगों को, y = mx अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमेशा वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। हम इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, अगर इस तरह की कोई है, y = c टाइप से है, तो y = c का मतलब हो गया कि दिस इज द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इस चीज को हम यहां पे बोलेंगे TFC, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये जो हमारे पास में तीन ग्राफ दिए गए हैं, सबसे पहले TFC द पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब इस तरह की इक्वेशन x एक्सिस, दूसरी है TVC, मतलब इस तरह की इक्वेशन है, y = mx passes through the origin, इस तरह की ग्राफ जाएगा, और तीसरा क्या है, टोटल कॉस्ट, अगर हम mx और c को ऐड कर दें तो हमें ये टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, और ये हमारे पास में किस तरह से बन जाएगी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हमें एक एग्जांपल बताया है, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो उस वजह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बताना है कि ये जो फार्मूला जो हम यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है एक्चुअल में इस चैप्टर में। सबसे पहले टीसी मतलब टोटल कॉस्ट होता है तुम्हारा टीवीसी और प्लस टीएफसी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट कहते हैं। ये टोटल कॉस्ट अगर हम सिंपल वे में समझे तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। सिंपल मतलब कोई चीज खरीद रहे हैं, कितने पे खरीद रहे हैं, उसकी जितनी भी लागत है यानी उसकी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट वही चीज है। फिर ये जो हमारे पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, कोई भी चीज को अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, मतलब किसी कोई भी वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास में और उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, जनरली क्या करते हैं, जैसे एक यूनिट का प्राइस हमारे पास में 10 रुपए है तो 10 यूनिट्स का प्राइस हमारे पास 100 रुपीज हो जाएगा। अब अगर हमारे पास में 100 रुपीज अगर है और हमें कहें एवरेज प्राइस निकालना है तो हमें 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर वही चीज आ जाएगी। तो जितने भी चीजें इसमें दी गई हैं और किसी का तुम्हें एवरेज निकालना हो तो हमेशा उसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, और अगर हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मान लिया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है टीवीसी अपॉन एक्स, इसी तरह से एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी टीसी अपॉन एक्स, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट निकाला यहां से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट निकाला हमने उसको डिवाइडेड बाय एक्स, तो यूनिट से नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे। तो कोई भी एवरेज कुछ भी निकालना हो तुम्हें बिना सोचे समझे एक्स से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स जिसे कहते हो। अभी ये हमने बताया तुमको वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, वेरिएबल कॉस्ट वो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट
टीएफसी, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब चीजों के बारे में, यानी कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया। अगर कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया तो इसका मतलब इसमें सेलिंग प्राइस भी होगा, और सेलिंग प्राइस होगा तो इसमें प्रॉफिट भी होगा, ये सब चीजें होंगी। सबसे पहले हमें ये बताना है कि अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो कैसे पहचानेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या ये फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे मान लो कहीं भी दिया गया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 100, ये दिया गया है, और कोई पूछे कि व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल लगा होना चाहिए, तो नहीं वेरिएबल पूरा, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, क्यों x लगा हुआ है, जिसमें वेरिएबल अटैच हो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द टीएफसी, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो दिस इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा टीएफसी हो गया और ये तुम्हारा टीडीसी है, टीडीसी हमारा टोटल है, तो टीवीसी द 5x + 100 हो जाएगा। हां नहीं, टीवीसी हमारा 3x² + 5x, एक्स जिसमें लगा होगा वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, और जिसमें x नहीं लगा होगा वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, समझे, विदाउट वेरिएबल, ये रुपीस में है, यानी रुपीस 100 सीधा। जैसे लेबर कास्ट में बताया ना, लेबर कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, या और भी चार्जेस कई तरीके के होते हैं जो फिक्स रहते हैं बिल्कुल, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ऐसे होते हैं। सर एएफसी लिखता हूं 3/5, कौन सा एएफसी, एएफसी ये जितने भी एवरेज निकालना होगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, ये एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एक इसमें वर्ड आता है डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन दो तरीके से रिलेट होते हैं, एक है अगर हम दो चीजें लिख रहे हैं, एक पी लिख रहे हैं दिस इज प्राइस पर यूनिट, और एक एक्स लिख रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट। अगर कभी कभी एक्स जो है वो तुम्हारा इस तरह से लिखा जाता है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो हमारा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है एक्स, ये डिमांड फंक्शन है, ये इस तरह से भी डिमांड फंक्शन होता है। दूसरा डिमांड फंक्शन ऐसे भी होता है जहां पे प्राइस पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो दोनों केस ये डिमांड फंक्शन के बोलते हैं। जैसे कभी भी इक्वेशन आती है, जैसे मान लो कि कभी कभी ये y नहीं लिखेंगे, ये p इज इक्वल टू लिखा हुआ है, जैसे मान लो तो p इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ द यूनिट, प्राइस पर यूनिट हो गई है, ये चीज पूरी प्राइस पर यूनिट हो गई, यानी कि अगर हमको इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो वो x और भी मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब हो जाएगा या x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कई सारी चीजें, मतलब हमारे पास में ये एक यूनिट की प्राइस है, और अगर x यूनिट की प्राइस ही है तो इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे लिखा होता है x इज इक्वल टू हंड्रेड पी प्लस 3 या प्लस 300, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो प्राइस है दिस इज द प्राइस ऑफ द x यूनिट्स, प्राइस ऑफ द x यूनिट्स, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल ये पूरा प्राइस हो गया, किसने यूनिट्स का, एक्स यूनिट का। और इस केस में ये क्या हो गया, दिस इज द पी प्राइस फॉर द दिस मच यूनिट, मतलब कि ये प्राइस पर यूनिट है, इसका मतलब होता है पर यूनिट, पी हमेशा डिनोट करता है पर यूनिट, और एक्स नंबर ऑफ यूनिट, ये ध्यान रखना, अभी इसमें क्वेश्चन आएंगे तो और भी क्लियर होगा। फिर
आता है तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन को हम बोलते हैं मतलब अपनी लैंग्वेज में सेलिंग प्राइस। मतलब एसपी सेलिंग प्राइस हमें मतलब शॉर्ट टर्म में बोलना है, इसलिए भी लिखा नहीं है तुम्हारे इसमें बुक में, नहीं लिखा सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस भी नहीं लिखा है बुक में, हम सिर्फ अपने आप से बोल रहे हैं क्योंकि तो समझने में आसानी हो। सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ कि अगर एक यूनिट की प्राइस पी है तो एक्स यूनिट की प्राइस क्या होगी, एक्स इंटू पी। तो ये जो होगा एक्स इंटू पी, दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन, मतलब आर हम बोलते हैं इस वाले केस में, रेवेन्यू फंक्शन को आर बोला जाता है, या और भी थोड़ा सा अगर हम लिख देते हैं तो आर एक्स भी बोला जाता है, कभी कभी आर एक्स भी लिखते हैं। दिस आर एक्स डिनोट द रेवेन्यू फंक्शन या सेलिंग प्राइस। अगर हम एवरेज रेवेन्यू फंक्शन निकालना चाहें, एवरेज, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स, यानी इज इक्वल टू पी। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन हमेशा प्राइस पर यूनिट ही आता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको नंबर ऑफ यूनिट से ही तो डिवाइड करेंगे, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा पी ही बचेगा। अभी हमने एक एग्जांपल बताया था कि अगर एक यूनिट की प्राइस 10 रुपीज है तो 10 यूनिट्स की प्राइस 1000 रुपीज हो गई। अगर हम उसका एवरेज निकालना चाहें तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 से ही तो डिवाइड करेंगे, तो ऐसा तुम्हारा 10 ही है, तो ये मतलब प्राइस पर यूनिट होगी एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। ये यदि सेलिंग प्राइस है और जो हमने बताया था ये यदि कॉस्ट प्राइस है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस टीसी इज इक्वल टू प्रॉफिट के इक्वल होगा कि नहीं। रेवेन्यू फंक्शन और माइनस कॉस्ट फंक्शन, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट फंक्शन के बराबर, ये प्रॉफिट फंक्शन कहलाता है। अगर इसका भी एवरेज निकालना है तब भी तुम्हें डिवाइड बाय एक्स करना होगा, तब भी डिवाइड बाय एक्स करना होगा। फिर एक वर्ड आता है इसमें, हाँ एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो जब पूछा जाए, एवरेज का मतलब डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स बस। अब एक टर्म आता है इसमें, जब कभी ऐसा होता है कि देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जब कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है तब क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो उस केस में आर एक्स इज इक्वल टू टी सी हो जाता है, मतलब रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल टोटल कॉस्ट। एट दिस पॉइंट इन एट दिस स्केल दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। व्हेन द रेवेन्यू फंक्शन एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन आर इक्वल, द केस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इससे हम एक्स निकालते हैं, कभी कभी एक्स निकाला जाता है। एक चीज छोटी, अब उसमें एक वर्ड और बचता है, उसे कहते हैं मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब मुझे जैसे पता नहीं है कि मार्जिन लेना, मतलब कि एक कि कितने मार्जिन से बेचा गया है, कितने मार्जिन से खरीदा गया है, ये सब चीजें होती है ना। तो इसमें क्या है कि हम कोई भी, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है, मार्जिनल वेरिएबल फंक्शन निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी, कभी भी मार्जिनल निकालना, अगर वर्ल्ड मार्जिनल वर्ल्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब है तुम्हें d by dx निकालना है। मार्जिनल का मतलब है, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है तुम्हें, तो पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल लो,
और रेवेन्यू फंक्शन निकालने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, समझे। जैसे रेवेन्यू फंक्शन तुम्हारे पास में मान लो 3x² + 5x है, मान लो सपोज करो ये रेवेन्यू फंक्शन है, और कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इसको एम आर एक्स लिखा जाएगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² + 5x, तो ये तुम्हारा 6x + 5, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। बिल्कुल सिंपल, मार्जिनल वर्ड आवे डिफरेंशिएट करो। और आज मैं ऊपर तो बैठे नहीं, सब लगा लिया होगा माइक से, लगा नहीं सर आप, नहीं हम तो सोचे लगा के आए होंगे, कल आप पूछेंगे बताएंगे बहुत जल्दी जल्दी। सुसा जी चैप्टर खत्म, हाँ यही यही है, 1 2 3 तीन एक्सरसाइज। अच्छा अभी इसमें एक और टॉपिक है इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, वो अब तुम्हारे कोर्स में नहीं, जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 एक्सरसाइज। ये जो हमने बताया है ये 1.2 1.1 1.2 1.3 एक्सरसाइज की, 1.4 इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो पहले ये हो जाए, तीन हो जाए तो भी बता देंगे। तो सबसे पहले आप तुम 1.1 एक्सरसाइज खोलो, 1.1। हाँ अब कुछ पूछना हो तो भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूछ सकते हैं, और तुम लोग कोई भी, कोई भी टर्म को बारे में पूछना है किसी को तो वो पूछ सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, जब रेवेन्यू फंक्शन और टोटल कॉस्ट फंक्शन बराबर हो जाते हैं, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ ये देखो आलोक, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब बराबर हो जाएंगे तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अभी आएगा इसमें कहीं ना कहीं। पहला क्वेश्चन है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6500, फिक्स्ड कॉस्ट ₹6500, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज ₹12.50। अब बताओ ये 12.50 क्या है? पी है, प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है, ये सब ध्यान देना, ये पी है। व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, यानी कि तुम्हें कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मतलब टोटल कॉस्ट है, ऐसा थोड़ी लगेगा, एक्स तो लोगे ही ना, एक्स यूनिट तो मानोगे कहीं ना कहीं। भाई वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगी, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे? अन्ना क्या है, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट जो तुम्हारी आएगी वो कितनी आएगी, 12.50 इंटू एक्स। अब ये तुम्हारा टी टोटल कॉस्ट निकाल दो पहले, कॉस्ट फंक्शन, इसे वो कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं, टीवीसी प्लस FC, तो ये आ गया तुम्हारा 12.50 एक्स और प्लस 6500, दिस इज द TF। सर बोलो सर, तो सही से डिनोट किया सर, बुक में कॉस्ट फंक्शन को सी से डिनोट किए ना, बुक में सर सी से डिनोट किए, आपने टीएफसी किया, वो एक्चुअल में नहीं, सॉरी टीएफसी नहीं है, टीसी टोटल कॉस्ट, एफसी नहीं, सी से भी कर। देखो इसमें कॉस्ट फंक्शन को डिनोट करने के तीन तरीके हैं, एक टीसी है, एक सी है और एक सीएफ है, ये सब डिनोट हो रहे हैं कॉस्ट फंक्शन को। ओके है ना, ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। सर
अब इसका जिन्होंने कहा है कि क्लियरली इंडिकेटिंग द ग्राफ, ग्राफ बनाना है तुम्हें ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा जरा देख लो एक बार। इसका तीन होगा, सबसे पहले इन्होंने टोटल कॉस्ट का कहा है, यानी कि इसका कहा है टोटल कॉस्ट का कहा है इसका, तो ग्राफ कहां से बनेगा, यहीं से तो बनेगा जहां पे 12.50x और 6500, ये तुम्हारा 6500 हो गया, इतना ये 6500 हो गया, इतना ये पॉइंट, और ये तुम्हारा TFTC हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है TFC से फिक्स्ड प्राइस, तो यानी ये बनाना है तुम्हारा, तो ये ऐसे बन जाएगा TFC, और फिर दूसरा कहा है इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट ये है हमारा, तो ये ओरिजिन से जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो, और तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा ऐसे चला जाएगा टीवीसी, जो पहला हमने बनाया था वही चीज है। इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ मतलब आता नहीं है, ये हम बता रहे हैं, इन्होंने लिखा है इसलिए हम बता रहे हैं, वरना आता नहीं है, ग्राफ बनाने के लिए आता नहीं है, तुम लोग परेशान ना हो, हमारे काम से हट गया अभी। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग द 75 आइटम्स, बताओ। 6500 + 12.50 इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 75 रख दो, आ जाए नहीं टोटल, अब दूसरे में कह रहे और थर्ड पार्ट है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है आप प्रोड्यूसिंग 400 आइटम, अब की बार 400 रखना, पूरा ऐड करके डिवाइड बाई 400 करना, मतलब थर्ड पार्ट में एवरेज कॉस्ट कह रहा है, तो 12.50 × 400 + 6500 / 400 ये है, दिस इज द एवरेज कॉस्ट, चेक कर सकते हो इसको निकाल के कैलकुलेटर से।